तो आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र बैच 2 की, जिसमें आपको आवेदन करके बताने वाले हैं कि उसमें आवेदन किस प्रकार से करना है, बिना कोई त्रुटि किए उसमें आवेदन किस प्रकार से करें। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको लाइव बताने वाले हैं कि मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नल प्रोग्राम बैच 2 में आवेदन किस प्रकार से करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि आज से इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, तो आज हम आपको लाइव बताने वाले हैं कि इसमें आवेदन किस प्रकार से करना है। बिल्कुल कोई त्रुटि नहीं करना है और आपको खुद से इसमें आवेदन करना है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर में आपको लिखकर सर्च करना है एमपीई सर्विस, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा एमपीई सर्विस। जहां पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो हो जाएगा, आपको सर्च कर लेना एमपीई सर्विस। ठीक है, एमपी सर्विस लिखकर जब दोस्तों बीच तक क्लिक करने से पहले आपको बता देता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक शेयर करें, ताकि सभी भाई बहन इसमें आवेदन कर सके और उसके आवेदन में कोई त्रुटि ना हो। तो चलिए करते हैं हम इस पर आपको क्लिक कर देना। पहली जो वेबसाइट दिख रही है आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ नई वेबसाइट ओपन हो जाएगी। कुछ इस प्रकार से आपको एक इंटरफेस देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नल फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम युवा विकास। युवा विकास में मध्य प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण पहल, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना, मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र बनने का सुनहरा मौका, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन नीति द्वारा ये नोटिफिकेशन कल जारी कर दिया गया था, जिसका मैंने आपको वीडियो भी बनाकर बताया था उसका रूल बुक का। तो चलिए हम इस पर आपको आवेदन करे पर क्लिक कर देना है, पंजीयन करे पर क्लिक करना है। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो यहां पर देखिए हमारा लॉगिन हो चुका है। सबसे पहले अगर आपने पिछली बार भी इसमें आवेदन किया था तो आपके पास आईडी पासवर्ड आपके पास होगा, या आपको मोबाइल नंबर डालना है। पासवर्ड भूल गए तो पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। और अगर आपने इसमें अभी तक लॉगिन नहीं किया है तो आपको क्लिक हर टू रजिस्टर पर क्लिक करना है। यहां पर आप जैसे को देखने को मिल रहा है क्लिक ऑन साइन अप फॉर रजिस्ट्रेशन, तो इस पर आपको क्लिक कर देना। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए ऊपर आपको साइन अप का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना। तो उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ नया पेज ओपन इस प्रकार से हो जाएगा। आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डाल देना है, उसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और यहाँ पर जो आपको व्हाट्सअप वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर यस करना है। टर्म एंड कंडीशन पे यस कर देना है और रजिस्टर हियर पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है, हम इसमें लॉग इन कर लेते हैं। तो लॉग इन करने के लिए आपको सिंपल से यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, पासवर्ड डाल देना है। तो यहाँ पर हम कैप्चा फिल कर देते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पर आपको जो सबमिट है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होने लगेगा। यहाँ पर आपको जनसेवा मित्र का ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है भर्ती एवं रोजगार पर। भर्ती एवं रोजगार पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आवेदन करें पर आपको क्लिक कर देना। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा बता रहा हूँ, आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कुछ, मैंने जैसे कि आपको कल रूल बुक आज सुबह ही रूल बुक का एक वीडियो प्रोवाइड किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसको पूरा पढ़ने के बाद यहाँ पर सबसे नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, यदि आप चयनित होने पर उपरोक्त कार्यों को करने के लिए सहमत है तो यहाँ पर आपको निशान लगा देना है, और यहाँ पर आपको आगे बढ़ेगा का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस शो होने लगेगा। यहाँ पर आपको तीन स्टेप में आपका एप्लीकेशन सबमिट फाइनल सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल भर देना है। तो यहाँ पर हम चलिए पहले देख लेते हैं कि आपका मध्य प्रदेश के निवासी स्थायी निवासी है, तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक कर देना। अगर नो पर क्लिक करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, केवल मध्य प्रदेश के निवासी के लिए ये अवेलेबल। और यहाँ पर आपको दूसरा दे रहा है कि आप फुल टाइम के लिए अगस्त 2023 से लेकर 6 महीने मतलब जनवरी तक क्या आप अवेलेबल रहेंगे, तो यहाँ पर यस कर देना। अगर नो पर क्लिक करते हैं तो इसके लिए आप अवेलेबल नहीं रहेंगे, इस योजना के लिए आप अपात्र हो जाएंगे। तो यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको समग्र आईडी एंटर कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही अपनी समग्र आईडी डालेंगे यहाँ पर आपको सर्च इन्फॉर्मेशन पर जैसे क्लिक करेंगे आपकी डिटेल यहाँ पर देखिए
कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपका डेटा कैप्चा कर लिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा कैप्चा इंटर कर लिया गया है। एक और बात इसमें ध्यान रखने वाली बात है, अगर आपकी सामग्री की केवाईसी नहीं है तो आप सर्च इन्फॉर्मेशन पे करेंगे तो आपको यहाँ पर डेटा कैप्चा नहीं करेगा। ये जब तक आपकी सामग्री केवाईसी कंप्लीट नहीं रहेगी तो यहाँ पर आपका डेटा कैप्चा नहीं करेगा। तो इससे पहले पूर्ण कर लें कि आपकी केवाईसी है या नहीं। तो चलिए हमारी जो जानकारी भरेल है उसको देख लेते हैं एक बार सही है नहीं। उसके बाद हम अपनी जन्म तारीख देख लेते हैं, यहाँ पर 22/8/98 तो हमारा 24 ईयर ओल्ड हो रहा है। तो यहाँ पर सब जानकारी हम आपको व्हाट्सएप पर लेना चाहते हैं अपडेट, तो यहाँ पर यस कर देना और नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है आपको। नीचे जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको आपका स्टेट सिलेक्ट हुआ होगा, आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। तो हम अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, अपना पिन कोड हम डाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। पिन कोड डालने के बाद अपना एड्रेस यहाँ पर फिल कर देना है। एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करते जाना है। तो आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है या नहीं, अगर आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है तो यस कर देना है। और मेन बात यहाँ पर जो आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा कि आपके पास स्मार्टफोन है, तो इस पर तो आपको 100% यस करना ही करना है। इस पर तो आपको 100% यस करना है और इस पर भी आपको करना है, आपके पास हो या ना हो। अगर आप इस पर नो कर लेते हैं तो आपको बाद में रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस पर अगर आपके पास है या नहीं, इस पर यस करना ही करना है आपको। बाद आपको यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करना है जिसमें आप बातचीत कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम हिंदी में कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं इसे आपको पूरा रीड कर लेना है। अगर आपके ऊपर कोई क्राइम केस पेंडिंग है तो यहाँ पर आपको यस कर देना, अगर नहीं है तो नो कर देना। सब पर नो नो करते जाना और यहाँ पर अगर आप सभी पढ़ लेना एक बार, फिर उसके बाद यस नो पर सिलेक्ट करना। उसके बाद हम सेव एज अडॉप्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे सेव करेंगे, यहाँ पर आपको सेव एज अडॉप्ट पर क्लिक कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन एंटर कर देना है। क्वालिफिकेशन में चलिए हम डाल देते हैं, पहले यहाँ पर आपको डालना है ग्रेजुएशन, ठीक है। ग्रेजुएशन में आपको 5 डे एग्जाम नेम, आपने कौन सा कोर्स किया है तो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। यहाँ पर हमने बीकॉम किया है तो यहाँ पर हम बीकॉम एंटर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम पासिंग ईयर एंटर कर देते हैं, पासिंग ईयर हम 2019 इसमें सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद बोर्ड और यूनिवर्सिटी डाल देते हैं, यूनिवर्सिटी में हम अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डाल देते हैं बीयू भोपाल। उसके बाद इंस्टीट्यूट का नेम हम डाल देते हैं सतपुड़ा। उसके बाद यहाँ पर आपको सभी अपनी जानकारी भर देना, और जानकारी भरने के बाद यहाँ पर आपको एक ऐड का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन बारी बारी सभी ऐड करते जाना। तो देखिए हम यहाँ पर जैसे ही ऐड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी नीचे ऐड हो चुकी है, देखिए। इसे अगर आपको कोई चेंजेस करना है तो ये पेंसिल के निशान पर आपको क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम डाल देते हैं क्वालिफिकेशन में, दूसरा क्वालिफिकेशन में आप डाल देते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन का। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर आपको वही करनी है, सेम वही प्रोसेस इसको अभी आपको ऐड कर देना है। और ये अब यहाँ पर आपको जो इसमें थर्ड क्वालिफिकेशन है, अगर आपको कोई पीजी डिप्लोमा है तो इसको भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इसे नेक्स्ट कर देते हैं, सेव कर देते हैं। तो ये देखिए हमारी शिक्षा संबंधित जानकारी सफलतापूर्वक संशोधित कर दी गई है। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर एंड तक देखिए आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है किस प्रकार से इसमें फॉर्म डालना है। तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, अगर नहीं 2 से 3 एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप ऐड करते जाइए, सभी एक्सपीरियंस को ऐड कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पर हमारी सभी जानकारी एंटर हो चुकी है, अब हम व्यू डिटेल में चले जाते हैं, एक बार हम अपनी जानकारी चेक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको 2 से 3 बार अपनी जानकारी चेक करना है, अगर कोई गलती इसमें आती है, अगर कोई गलती इसमें आती है तो आपको उसे चेंज कर देना, क्योंकि बाद में इसमें चेंज होना हो इसलिए आपको इसमें जानकारी पूरी चेंज कर देना है। तो ये देख सकते हैं हम अब फाइनल सबमिट करने जा रहे हैं, तो हमने ये फाइनल सबमिट पर दबा दिया। तो यहाँ पर आपको देख रहा है काइंडली चेक फर्स्ट टैब प्लीज फिल ऑल द मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन। तो हम एक बार और चेक कर लेते हैं कोई गलती हो गई हो तो। जब तक आपके व्यू डिटेल में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस तो नहीं होता जब तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा सभी जानकारी हमने चेक कर ली है, एक बार और चेक हम कर लेते हैं यहाँ पर कि हमारा सब कुछ डिटेल सही है या नहीं। तो हमारा सभी डिटेल चेक करने के बाद हमने यहाँ पर किया आई ए
टर्म एंड कंडीशन क्लिक किया, फाइनल सबमिट पर क्लिक किया, तो यहाँ हमारा देख सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन नंबर है जो आ चुका है। तो दोस्तों अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आज शाम को हम लाइव आने वाले हैं, तो उसमें आप हमसे जानकारी पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर जो प्रिंट का ऑप्शन है इसे आपको प्रिंट कर लेना। तो चलिए हमने इसे एक प्रिंट मार लिया है, तो ये प्रिंट हमने कर लिया है। दोस्तों मिलेंगे ऐसी नए अपडेट, नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।